नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, देसी चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आजकल एक फिल्म ना बहुत चर्चा में है, ये है इंडिया। ये जो फिल्म है बहुत सवाल भी छोड़ती है, एंड इसके डायरेक्टर, राइटर एंड वीगन से एक्टर भी हैं आप बीच में, एंड प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। सो वेलकम देसी चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसे पहले कहा है कि ये फिल्म जो है, खुद जो इसका टाइटल है वो कई सवाल छोड़ती है, एक क्वेश्चन मार्क है, क्या कहना आपका फिल्म के बारे? देखिए, दो चीज़ें, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये है इंडिया क्वेश्चन मार्क है, या ये है इंडिया एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हो गया ये है इंडिया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया ये है इंडिया। तो आप एज एन इंडियन डिसाइड करिए कि ये क्या है। आपने किस अकॉर्डिंगली फिल्म बनाई? मैं तो आप लोगों का नज़रिया जानने के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई है। हमें तो जनता बताएगी कि इंडिया क्या है, आपका देश है। हम जनता का नज़रिया, व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं कि आप लोग इस देश के बारे में क्या सोचते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, या राइट नाउ यू आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। तो क्या ऐसी वजहें थी कि जो आपने डिसाइड किया कि आई शुड मूव टू ऑस्ट्रेलिया? सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मैंने आपको क्या कहा, डबल स्टैंडर्ड जो अपने देश में भी मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मैंने इंडियंस के प्रति देखे। एक इंडियन होते हुए भी हमें सेकंड ग्रेड सिटीज़न ट्रीट किया जाता है, हमें वो इज्जत नहीं मिलती वहाँ पे, अटैक्स होते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, गुरुद्वारों पर फायरिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे देश की ग्लोबल इमेज अच्छी नहीं है, वो लोग इंडिया से डरते नहीं। देखिए, एक अमेरिका का सिटीजन अगर अपनी कंट्री में आता है तो अपनी पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं कि इसको कुछ हो गया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। वो डर उन लोगों में नहीं है हमको लेके, क्योंकि वो हमें एज ए थर्ड नेशन ट्रीट करते हैं। बट मुझे हंसी आती है, क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं अपन वो मैसेज ही नहीं पहुँचा पाए। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि इंडिया नाम की कोई जगह भी है और इंडियंस नाम के कुछ लोग भी है। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स में इंडियन बैठे हैं, और अमेरिकन लोगों को आप इंटरव्यू करके यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वो लोग बोलते हैं इंडिया कहाँ है, बोले पता नहीं, इंडिया क्या है पता नहीं। तो आप खुद सोचिए कि ये फिल्म आज के टाइम की ज़रूरत है, जो इंडियंस को ही नहीं बल्कि वेस्टर्न लोगों को भी ये बताए कि इंडिया क्या है, इंडियंस कौन है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस। संदीप जी, आपने इस फिल्म पे प्रोड्यूस किया है, एंड जब भी प्रोड्यूसर होता है ना, उस पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड जो आपने फिल्म ऑप्ट की है प्रोड्यूस के लिए, उसको ना खुद में चुनना एक बहुत चैलेंज है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, मीडिया की तरफ से भी प्रेशर होगा, पॉलिटिक्स की तरफ से प्रेशर होगा। कैसी ऐसी प्रॉब्लम्स का आपने फेस? बस प्रॉब्लम की तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं, बस मुझे इस देश को और पूरी दुनिया को अपने हिंदुस्तान के बारे में एक मैसेज देना था, और एक रियल सच्चाई, एक रियल फैक्ट, जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हैं सारी चीज़ें, और हर एक इंडियंस को अपने देश पे एक प्राउड नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो पूरी दुनिया को हम बताना चाह रहे हैं एक्चुअली क्या है, देश की पावर क्या है, देश की पोटेंशियल क्या है, देश के अचीवमेंट्स क्या हैं, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। तो मेन टेगलाइन है कि अब वक्त आ गया है दुनिया को बताने का, ये है इंडिया। हर्ष जी, फिल्म में ना आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था कि हम ही जो हैं पॉलिटिक्स चुनते हैं, हम ही अपना पॉलिटिशियन चुनते हैं। बट मैं कहूँ कि अगर जब भी कोई डिसीजन कंट्री के फेवर में, या कह सकते हैं रिजर्वेशन के फेवर में हमारी जो लेती है गवर्नमेंट, ऑप्ट करती है, उसका बायकॉट भी तो कुछ हमारे ही इंडियंस करते हैं, बट वो आवाज़ दबा दी जाती है। देखिए, अगर बायकॉट करने की आप बात करते हैं तो रिजर्वेशन क्यों एग्जिस्ट करता है आज? बॉयकट करने वाले लोग कहाँ पे हैं? उनकी क्वांटिटी कम है। इसका मतलब इस देश के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है उसके ऊपर, किसी लड़की का रेप हुआ, 10 लोग आएंगे, 100 लोग कैंडल जलाने आएंगे। क्या हमारी देश की आबादी 100 लोगों की है? मेरे को एक ऐसी घटना बता दीजिए जिस देश के अंदर अगर कोई ऐसी घटना हुई हो और सड़कों पर पूरा हिंदुस्तान आ गया हो, क्या देखा है आपने कभी? जिस दिन वो होगा ना, उस दिन ये इंडिया एक हो जाएगा। पर इंडिया एक ना होने की वजह कहीं ना कहीं आप किसको ठहराते हैं? हम खुद इंडियंस जिम्मेदार हैं, कोई भी नहीं और दूसरा। देखिए, पंजाबी बोलता हम प्राउड टू बी एन पंजाबी, गुजराती बोलता हम प्राउड टू बी एन गुजराती, एक राजस्थानी बोलता हम प्राउड टू बी एन राजस्थानी, जबकि तीनों मिलके बोलने चाहिए हम प्राउड टू बी एन इंडियन। जिस दिन अपन अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ को छोड़ के अपनी आइडेंटिटी इस देश को बना लेंगे, उस दिन ये देश भी ऊपर आ जाएगा। ये है इंडिया की ना पीछे कॉन्ट्रोवर्सीज भी साथ में आ रही हैं, लोग फेवर खुल के कर रहे हैं बट कॉन्ट्रोवर्सीज भी खुल के सामने आ रही है। ऐसी कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज थी जिनको, मतलब आपको भी थोड़ा लगा कि यार हम इतना अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग? देखिए, आपने कभी गौर किया, रोड के ऊपर एक अकेला आदमी जब सच बोलता है तो वो भीड़ इकट्ठी कर लेता है। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज आई स्पीक ट्रूथ। अगर आप अपनी सच्चाई नहीं सुन सकते तो आप जा सकते हैं, बट मेरा हक है सच बोलने का। आज आपके पेरेंट्स आपको चोरी करते हुए पकड़ेंगे तो आपको सामने खड़ा होकर सुनना पड़ेगा जब वो आपको डांटेंगे।
अगर आप नहीं सुन सकते देन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. तो कॉन्ट्रोवर्सी जिनको आ रही है इसका मतलब शायद यही वो लोग हैं जो इस देश को अपना घर नहीं समझते. अगर वो समझते तो वो मेरी बातों से ज़रूर रूबरू होते. वो समझते इस चीज़ को. मैडम उंगली उठाना आसान है बट ये मत भूलिए कि जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं तीन उंगली आपकी तरफ भी है. तो उंगली उठाने से पहले देख लीजिए आपकी आप कितने पानी में हैं. मेरे अकॉर्डिंगली ये फिल्म जो है हमें इलेक्शन से पहले ही रिलीज करनी चाहिए थी. ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है. प्रोड्यूसर्स के बजट्स होते हैं, इनके फंड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करी. इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये एक ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है. मैंने आपको क्या कहा, बॉक्स ऑफिस हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि एक मोमेंट है. फिल्म ख़त्म हुए बाद में, रिलीज के बाद में भी हम इसको अलग अलग लेके जाएंगे, स्कूल्स में स्क्रीनिंग करवाएंगे, कॉलेजेस में लेके जाएंगे, ओवरसीज लेके जाएंगे, एम्बेसीज में दिखाएंगे. ये एक मिशन है क्योंकि हमारा मिशन इस मैसेज को स्प्रेड करना है, ना कि बॉक्स ऑफिस पे तीन दिन का मैजिक करके घर पे बैठना है. वेल, इस फिल्म में आपने एक्ट भी किया है, अपने किरदार के बारे में थोड़ा रूबरू. एक करप्ट मिनिस्टर के बेटे का किरदार निभाया जिसका नाम है यशवर्धन, जो अपने बाप के पोजीशन के दम पे इतराता है, जो कि हमारे देश की सच्चाई है. इस फिल्म में एक डायलॉग है कि एक मिनिस्टर का भी बेटा भी मिनिस्टर होता है, ये लॉ कब बना आपके देश में? तो एक मिनिस्टर उसका बाप है तो उसका फ़ायदा, उसकी लाल बत्ती, उसकी पोस्ट का फ़ायदा, पुलिस वालों को धौंस देना, दारू पीना, गाड़ी लेके घूमना, ये उसको पावर किसने दी? उसका फादर मिनिस्टर है ना कि वो है. तो वो मेरा किरदार उस चीज़ को भी शो कर रहा है. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप जब ये फिल्म देखेंगे आप इस देश की सच्चाई से रूबरू होंगे कि किस तरह से मिस यूज़ ऑफ़ पावर हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ़ मनी हो रहा है, आम आदमी किस तरह से परेशान है, पुलिस कैसे काम कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, वो सब सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है. हमारी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है क्योंकि ये फिल्म रिलीज से पहले ही काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है. हम विश करते हैं रिलीज के बाद भी अवार्ड्स का सिलसिला जारी चलता रहे. और आप अपने फैंस को एक अपील कर दीजिए. अपील यही है कि फिल्म एक बहुत छोटी चीज़ है, फिल्म से बड़ा देश होता है. तो फिल्म को लेकर कोई मैसेज नहीं करूँगा. मैसेज मेरा आपको देश के लिए है, अपने आप को सुधारिए, अपनी इस देश की इज्जत को, खुद की इज्जत बनाइए, खुद के दम पे, खुद के आसपास के एरिया में साफ़ सफाई, अच्छाई का कोई काम करिए. देखिए इस देश की इमेज सुधरेगी. तो अपने जो लोग बाहर पैसा कमा के इंडिया की इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा. और अपन अगर अपनी कंट्री को डाउनग्रेड करेंगे तो वहाँ अपने लोग पिटेंगे. तो फैसला आपका है, उनकी प्रोटेक्शन आपके हाथों में. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, ऑल द बेस्ट अगेन. तो ये थे हमारे साथ फिल्म ये है इंडिया के डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर. तो इन्होंने बताया फिल्म के बारे में कुछ खास. आज के लिए इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे. आप देखते रहे देसी चैनल.